मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी गेटेड कॉम्प्लेक्स हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास साथ ही रिच लैंडस्केपिंग स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल स्विमिंग पूल इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। विधानसभा चुनाव के बाद जब विधायक जी के दर्शन दुर्लभ हो गए तो नाराज ग्रामीणों ने विधायक बिहारी लाल आर के पोस्टर को फेसबुक पर पोस्ट कर दिया जिसमें विधायक को ढूंढकर लाने वाले पर इनाम घोषित कर दिया गया था। इस पर अब विधायक जी सफाई देते नजर आ रहे हैं। मामला मऊरानीपुर के विधायक से जुड़ा हुआ है। दरअसल बीते दिनों फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें ग्राम उज्जैन के ग्रामीण ने सोशल मीडिया पर विधायक बिहारी लाल आर का एक पोस्ट बनाकर यह लिख दिया था कि विधायक को ढूंढने वाले को इनाम दिया जाएगा। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद विधायक जी अपनी सफाई देते दिख रहे हैं। हमारी टीम ने पहले उज्जैन गांव जाकर ग्रामीणों से बात की तो पता चला कि गांव में काफ़ी समस्याएं हैं जिसमें विधायक की पोस्ट करने वाले युवक ने बताया कि वह विधायक तक अपनी बात पहुँचाना चाहता था जिसके लिए उसने इस तरह की पोस्ट डाली। वहीं अन्य ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में बहुत सी ऐसी परेशानियाँ हैं जिससे ग्रामीण दो चार हो रहे हैं लेकिन विधायक जी ना तो फ़ोन उठाकर गरीबों की समस्या को सुनते हैं और ना ही उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान से लेकर कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सरकारी योजनाओं के लिए उनसे सुविधा शुल्क भी मांगा जाता है। नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं झांसी जिले की मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र उज्जैन पठा में जहाँ पर गाँव वालों की गंभीर समस्याएँ हैं बिजली पानी और सड़कों को लेकर। यहाँ के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान सहित विधानसभा क्षेत्र के अपने विधायक को भी आरोपित किया है, आरोप लगा रहे हैं गंभीर। जानते हैं इनकी क्या स्थिति है गांव की और गांव की क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? गंगा सिंह। गंगा सिंह, ये कौन सा गांव है? ये पठा है, उज्जैन का खरक। यहाँ की तहसील कौन सी लगती है दादाजी? तारोली। अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ गाँव में क्या समस्या है? समस्या बिजली नहीं है हमारे गाँव में और पानी की भी परेशानी है। बिजली की क्या दिक्कत है, कब से नहीं आती बिजली? बहुत दिनों से हार खेत में तो लगी, गांव में नहीं है भाई। गांव में बिजली नहीं है। खम्भे हैं यहां पर बिजली के? नहीं, बिल्कुल कोई खम्भे नहीं है। जी नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और हमारी मऊरानीपुर विधानसभा के अंतर्गत हमारा गाँव आता है ग्राम उज्जैन पठा, जहाँ के विधायक हैं BJP से बिहारी लाल आर जी, जो कि जब से चुनाव हुए हैं चुनाव में ही एक बार आए थे वोट मांगने, तब से अभी तक नहीं आए हैं। और जैसा कि आपने फेसबुक पर भी एक पोस्ट डाली है उसमें आपने लिखा है कि हमारे जो यहाँ के विधायक हैं और वो कई दिन से आपका पोस्ट मैंने पढ़ा है लापता है और गांव में नहीं आते। जी, वो मैंने एक पोस्ट डाली थी कि कम से कम विधायक जी तक ये बात पहुँचे, तो विधायक जी हमारे गाँव वालों की जो समस्याएँ हैं वो शायद सुन लें, उन तक पहुँच जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार पोस्ट डालेंगे विधायक जी तक पहुंचती भी है लेकिन विधायक जी कभी कोई भी काम नहीं कराते ना यहाँ कभी आते हैं। वहीं विधायक बिहारी लाल का आरोप है कि यह सब कुछ राजनीति से प्रेरित होकर उनके खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है जिसमें उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया गया है। विधायक बिहारी लाल आर्य ने बताया कि आज़ादी के बाद से जितना विकास आज तक उनके कार्यकाल में हुआ है उतना किसी सरकार के समय में नहीं हुआ। हमारी टीम से बात करते हुए उन्होंने करोड़ों रुपये के विकास कार्य गिना दिए। सुनिए क्या कहना है विधायक बिहारी लाल आर्य का। विधायक जी, एक पोस्ट फेसबुक पे डाली गई है जिसमें बताया गया है कि आप लापता हैं, बताने वाले को 1100 रुपये इनाम और उन्होंने का आरोप है कि क्षेत्र में उन उज्जैन गांव में कोई विकास नहीं हुआ है, तो इस पर आपका क्या कहना है? इस प्रकार की पोस्ट तो जो है ये विरोधियों की साजिश का ही परिणाम है कि भाई हमारी छवि धूमिल करने के लिए इस प्रकार की पोस्ट डाली जाती है। क्षेत्र मऊरानीपुर क्षेत्र की जनता ने मुझे 7 बार चुनाव लड़ा, मऊरानीपुर 7 बार आशीर्वाद दिया
उनके आशीर्वाद से, सहयोग से हमारा पूरा प्रयास है कि मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में अमन चैन रहे, खुशहाली रहे, क्षेत्र का चौमुखी विकास हो। और हमेशा क्षेत्र विकास के लिए हम तत्पर रहते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि क्षेत्र के एक एक व्यक्ति की जो भी समस्या है उसका हम समाधान करें। अब अगर विधायक जी ने करोड़ों के कार्य करा दिए हैं तो फिर वह जनता को दिखाई क्यों नहीं देते? कई बार ऐसा भी होता है कि कागजों पर करोड़ों के काम हो जाते हैं लेकिन जनता को पता ही नहीं चलता। फिलहाल जो भी हो, विधायक जी के गायब होने वाला पोस्टर आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है। मऊरानीपुर से नजमा आब्दी के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।